हेलो दोस्तों, एक्सेल की ये बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट में आपको स्वागत किया जाता है। और इस प्लेलिस्ट में आप जानेंगे किसी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट या बैंक में आप काम कर वहाँ पर बोला जाए ईएमआई कैलकुलेट करना और इंटरेस्ट निकालना है तो किस प्रकार से आप वहाँ पे ईएमआई और इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको एक्सेल शीट में दिख रहा होगा, एक क्लाइंट है जो एदर पर्सनल लोन लिया है, एदर पर्सनल लोन के हिसाब से यहाँ पे उसका ड्यूरेशन इतना 2 ईयर है और इंटरेस्ट रेट इतना 12% है, उसके ईएमआई पर मंथ क्या होगा, उसका इंटरेस्ट मेरे पास कितना आएगा और तो इस सांचे के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस सांचे किस प्रकार से निकाला जाता है, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सांचे का यूज करने के लिए बताऊंगा बाकी सरल लैंग्वेज में। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, आप अभी तक मेरे एक्सेल के प्ले लिस्ट को सेव नहीं किए तो ऊपर आई बॉटम में दे दें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, जाए उसको सेव कर लें जिससे आपको बार बार मेरे प्ले लिस्ट और यूट्यूब चैनल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आप देख पाएंगे। चलिए शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू सीट ले लेता हूँ, न्यू सीट के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे न्यू सीट मैं ले ली हूँ और न्यू सीट लेने के बाद ऊपर से 2 रो छोड़ दियो, वो टॉप से मैं 2 रो छोड़ के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट नेम, उसके बाद यहाँ पे लोन टाइप, उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे भी करना है रेट एंड द इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद ईएमआई, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट, उसके बाद आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट आप गेट कर पाए हैं, ठीक है, आपको क्या इंटरेस्ट मिल पाया। तो यहाँ पे आपको इस सर्च को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे दे देना एंड थोड़ा सा फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जो हम लिखे थे बैंक लोन डेटा शीट, ठीक है, तो एदर मैं यहाँ पे जो हम लिखे हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ पे मैं पे क्लिक करना और इसमें लिख देना बैंक लोन डेटा शीट और इसको आयदा मेरे पास क्या करना बाहर निकल जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे जाकर एलाइन द सेंटर कर देना और इसको आयदा सेंटर में एलाइन ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट फैमिली टोको मैं फॉन्ट फैमिली का यूज कर लेता हूँ और इसको आयदा बड़ा कर देता हूँ जिससे मेरे पास इसका कलर बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इधर ग्रीन कर देता हूँ और टेक्स्ट कलर इधर यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ जिससे मेरे पास इजीली प्रॉपर शो करता है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, इस पर से आयदा बड़ा हो गया। उसके बाद मेरे पास इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में आया हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मेट पे हम क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक अपना बेस ले लेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बंद दे देता हूँ। यहाँ पे मैं जाने के बाद यहाँ पे अगर फिर मैं जाऊँगा फील्स पे और यहाँ पे जाने के बाद सीरियल्स पे क्लिक करना और यहाँ पे कॉलम चूज कर लेना, यहाँ पे जितना तक आपको चाहिए तो मैं 100 तक चाहिए, मैं 100 तक यहाँ पे 100 तक सीरियल नंबर को यहाँ पे क्या क्या आयदा इंटर कर दूँ। उसके बाद मेरे पास क्लाइंट नेम भी साहब हम टेबल भी देना चाहते हैं तो आयदा सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे मैं लास्ट 100 तक का आयदा यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे आपको क्या करना, Alt H प्रेस करना, उसके बाद आपको यहाँ पे B प्रेस करना और उसके बाद A प्रेस करना, यहाँ पे आपको सारा में टेबल अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे एक चीज और मेरे पास है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो लोन है, लोन का हम एक टाइप बना कर रखें और ऐसे लोन के लिए हमें यहाँ पे आज तक कितना परसेंट वहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट लगेगा इसके लिए भी हम यहाँ पे बना कर रखें। तो चलिए आयदा मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस सीट है, उससे मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, तो आयदा मेरे पास प्रीवियस सीट में लोन टाइप मैं करके रखा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसमें मैं लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे लेके आ गया हूँ और मैं यहाँ पे जाने के बाद क्या करूंगा, इसको एज ए पेस्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या हुआ, ऐसा पेस्ट कर दियो यहाँ पे और ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसमें हम लोन टाइप बोल दूंगा इसको, आइए मेरे लोन डेटा शीट ये मैं कर दूँ। उसके बाद मेरे पास इसको भी कलर देना, इसको भी आया तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक कलर प्रोवाइड करना, इसके लिए भी मैं रेडी यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ और व्हाइट इसका फॉर्मेट अप्लाई कर दी। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे लोन, जो लोन के लिए मुझको यहाँ पे जो हम यहाँ पे लोन बनाए हैं, लोन के लिए बनाए हैं यहाँ पे सारा फॉर्मेट बना कर रखे हूँ। तो यहाँ पे आया एक ड्रॉप डाउन बना दें जो आयता गलत ना फिलअप करें, कोई गलत आयता पर्सनल लोन है या अलग अलग कोई लोन है जो मेरे पास लोन अवेलेबल हो वही लोन को यहाँ पे चूज कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बना एक डेटा बता दियो, ये सारा लोन मेरे पास अवेलेबल है और ये सारा लोन में कोई आप ले सकते हैं। तो आयदा मेरे पास यहाँ पे आया, आयदा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाओ, किस पर से बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे डेटा में जाना, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आना, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना,
यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी और लिस्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे मेरे पास सोर्स पूछा जाएगा। सोर्स में जाकर मैं इसको ऐसा क्या करूँगा सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा और मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। इसको 100 तक मैं क्लिक क्या करता हूँ ऐसा ड्रॉप कर देता हूँ, ये 100 तक मेरे पास आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे वी लुकअप, जो इंटरेस्ट है रेट ऑफ द इंटरेस्ट है उसमें ऑटोमेटिक के यहाँ पे जब हम कोई पर्सनल लोन चूज करूँ तो उसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इक्वल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप और यहाँ पे लुकअप है ना। उसके बाद मेरे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू लुकअप लोन टाइप होगा मेरा, मुझे उस सब देखना चाहता हूँ। उसके बाद आपका टेबल, तो टेबल के लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं और इसको एज ए मैं टेबल ग्रुप में एज सेलेक्ट कर लेता हूँ और A4 मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। मेरे पास A4 और ये थोड़ा सा मैं बाहर निकल गया था, इस कारण से मुझे 2 बार करना पड़ा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या कॉलम, तो कॉलम एज 2 ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे इजिप्ट मैच के लिए मेरे पास यहाँ पे फॉल्स, हम यहाँ पे जाकर फॉल्स पे क्लिक कर देंगे और मेरे पास यहाँ पे क्या करना क्लोज कर देना। और ये मेरे पास यहाँ पे विंडन आ रहा है, एरर आ रहा है। इसमें भी हम चाहे एक चीज और चाहेंगे, यदि कोई यहाँ पे वैल्यू ना हो तो मेरे पास यहाँ पे ना दिखे, तो इसलिए भी हम यहाँ पे ऐसा एक लॉजिक ला रहे हैं यहाँ पे कुछ ना हो ठीक है, इक्वल टू नन, तो ऐसा यहाँ पे कुछ ना दिखे और यदि यहाँ पे वैल्यू हो तो दिखना चाहिए, तो ये चीज के लिए भी हमें यहाँ पे लगा दी। तो ऐसा मेरे पास इंटर करता हूँ तो मेरे पास ऐसा क्लियर अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इधर मेरे पास से हट गया। इसको ऐसा मैं 100 तक ड्रॉप कर दूंगा, तो मैं 100 तक यहाँ पे ऐसा फिलअप कर दी। अब चलिए यहाँ पे मेरे पास अब साजी को मैं यहाँ पे सेटअप कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधी आपको यहाँ पे डेटा इंटर करना और यहाँ पे आपको इजिली कैलकुलेट होगा। तो मेरे पास एक रोहन, एक जो मेरे क्लाइंट है, क्लाइंट का नेम रोहन है, तो रोहन को मैं यहाँ पे टाइप कर दी हूँ। वो ऐसा किस टाइप का लोन ले रहा है, तो यहाँ पे लोन का मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो ऐसा वो ले रहा है जैसे वो 2 व्हीलर लेने जा रहा है, तो ऐसा उसके लिए मुझको बोला लोन, तो ऐसा मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे पास ऐसा उसका इंटरेस्ट रेट आ गया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा उसका अमाउंट बताऊंगा कि 1,00,000 रुपया ये ले रहा है, तो ऐसा 1,00,000 का इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसका जो मैं परसेंटेज में करूंगा एंड यहाँ पे मेरे परसेंटेज में मैं लेके आ गया। ड्यूरेशन इसका कितना है, एंड ड्यूरेशन इतना बोला 1 मंथ के 1 ईयर के लिए मैं लूँगा। ये ईयर में हमेशा रहेगा क्योंकि जब भी हम कोई लोन देंगे तो वह ईयर में होगा। तो यहाँ पे मेरे पास EMI कैलकुलेट करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे EMI के लिए PTM, एक फंक्शन होता है PTM पर मंथ जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है रेट क्या रहेगा, तो हम रेट यहाँ पे बताएँ और उसके बाद पर मंथ क्या रहेगा। यहाँ पे पहले आपको पूछा जाता है रेट, रेट को चूज कर दें। ये आधा ये जो साल भर के लिए मेरे पास यहाँ पे जाएगा, लेकिन हर मंथ मुझको EMI पे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना 12 से इसको डिवाइड कर देना। मैं 12 से इसको डिवाइड कर दी, उसके पास पूछा जाएगा पर रेट पर, तो आधा मेरे पास यहाँ पे ड्यूरेशन पूछा जाएगा, तो ड्यूरेशन को मैं चूज कर दी। और ड्यूरेशन में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा इसको मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, मेरे पास 1 है तो 12 से इसको मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो मेरे पास 12 हो गया। फिर उसके बाद आपको PM वैल्यू पूछा जाएगा कितना वैल्यू के लिए यहाँ पे वैल्यू के यहाँ पे दे दी हूँ। वैल्यू के यहाँ पे देने के बाद आपको क्या करना है ऐसा इंटर करना, तो यहाँ पे ऐसा माइनस में वैल्यू आएगा। माइनस के वैल्यू को हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना और एक बार माइनस यहाँ पे टाइप कर देना और उसके बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा प्लस में वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो दिया गया अब यहाँ पे मेरे पास है क्या, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए पहली बार तो मेरे पास यहाँ पे EMI इंटरेस्ट इसका मिल गया, मेरे पास ये इतना पर मंथ हुआ था पेमेंट करने वाला, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल, तो टोटल के लिए क्या करूंगा इसको सिलेक्ट करूंगा एंड मल्टीप्लीकेशन का साइन दूंगा। तो ये 1 को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दूंगा और 2 बिल्स इसको क्या करूंगा एंड मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा पूरा जो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो एंड मेरे पास इतना होगा। अब मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है, कितना मेरा इंटरेस्ट आता है ये चीज को जानकारी लेना, उसके लिए हम यहाँ पे देंगे इक्वल। उसके बाद हम ये जो टोटल अमाउंट उसको माइनस कर देंगे एंड कितने लोन अमाउंट से हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ मेरे पास लोन में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इस चीज को मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ, इस चीज को हम यहाँ पे एज ए पता कर पाऊंगा। चलिए उसी पैसे हम आगे चलते हैं, तो आगे में फिर हमारे पास यहाँ पे सोहन एक पर्सनल क्लाइंट था मेरा जो ऐसा मेरे पास यहाँ पे आया कार लोन लेने के लिए, तो कार लोन लिया, कार लोन का जो इसका था कार लोन के लिए 20 लाख, तो यहाँ पे भी मेरे पास ऐसा इसको परसेंटेज में इसको मैं कर दूँ ओके
परसेंटेज ऑलरेडी शो करे राइट है। और यहाँ पे मेरे पास इसका ड्यूरेशन होगा, ये बोला मुझको 3 ईयर के लिए चाहिए, तो इसमें मेरे पास इस आज को फिलअप करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। वैल्यू एरर आ रहा है तो उसको भी मैं बताता हूँ किस पर सोल्व हो जाएगी। तो आइना मेरे पास यहाँ पे आ जाना ईएमआई पे, इससे पहले यहाँ पे जाना और यहाँ पे लिखना है इफ, और यहाँ पे लिखने के बाद इसमें चूज करना है ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आपका यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है ना, ये ड्यूरेशन ही था, यहाँ पे इक्वल ब्लैंक होता है, तो आइना यहाँ पे आइना इसको ब्लैंक शो कर देना, ब्लैंक शो कर देना। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो, और इसको यहाँ पे क्या क्लोज कर देना, ये आइना ऑटोमेटिक यहाँ पे आइना मेरे पास वैल्यू खुद शो करेगी। अब यहाँ से डीलर अब दिखने बंद हो जाएगा सारा, और अभी इसको थोड़ा सा स्पेस और इंक्रीज कर देना। उसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे, इफ यदि ये वैल्यू जो है एंड इक्वल ब्लैंक हो तो ब्लैंक शो कर देना, नहीं तो यहाँ पे क्या करना एंड इसको ये वैल्यू दिखा देना जो मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए किया हूँ। तो मेरे पास यहाँ मल्टीप्लीकेशन के लिए जो नहीं होगा आधा मेरे पास यहाँ पे आधा उसको आधा क्या करना ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। इस पर से मेरे पास हो गया, उसी पर से हम आगे चलते हैं एंड इसमें भी हम वो बेच फंक्शन को अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे इक्वल देना, इक्वल के इफ देना, इफ के बाद यहाँ पे चूज करना है यदि फंक्शन इक्वल टू ब्लैंक होता है तो ब्लैंक शो कर देना, नहीं तो अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या करना एंड यहाँ पे ये फंक्शन को अप्लाई कर देना। उसके बाद हम इसको भी नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं तो मेरे पास ऐसा इजली ये कंप्लीट हो जाता है। इस पर सब ऐसा इजली हम यहाँ पे टर्न कर पाते हैं, तो जो मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है इसका तो ऐसे इस पर आ रहा है, 1-0 लगता है इसमें ज्यादा पड़ गया तो इसको मैं कम कर देता हूँ। एंड मेरे पास इस पर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मेरे पास आ गया। ये इस पर आप बैंक में काम कर रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उसमें ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, इंटरेस्ट कैलकुलेट निकालने के लिए बोला जाए, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस शीट बनाकर उसमें ऐसा इजली आप फाइंड कर पाएंगे और इस पर से डेटा को इजली मैनेज कर पाएंगे। मुझको आशा है इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और इस पर से और भी ऑसम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।